कल शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसमें उम्मीद की जा रही कि 4000 गणमान्य लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण की तैयारियों के बारे में राष्ट्रपति के सचिव अमिता पॉल से विशेष बातचीत के हमारे संवाददाता मनोज टिबड़वाल आकाश ने। सोमवार को शाम 6 बजे यही राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और लगातार शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा ले रही हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सचिव अमिता पाल जी, इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आप पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ लगातार आप राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में विभिन्न तरीके की तैयारियों का जायजा ले रही हैं, अब तक कहाँ तक पहुँची है शपथ ग्रहण की तैयारी? करीब करीब हमारी तैयारियाँ हो गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मौसम खूब अच्छा रहेगा और सब लोग यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में इस समारोह को खूब अच्छे से इंजॉय करेंगे। सुरक्षा के इंतजाम भी काफ़ी बेजोड़ किए गए हैं। जी, सुरक्षा बहुत सारे सुरक्षा कर्मचारी, दिल्ली पुलिस, ITBP और बाकी के पैरामिलिट्री फोर्सेस सब मिलके एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं ताकि पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जा सके। कितने गेस्ट को आप आमंत्रित कर रही हैं? हमने करीब 4000 गेस्ट के लिए सारा इंतज़ाम किया है और हमें उम्मीद है कि इसी के आसपास करीब 4000 लोग आएंगे हमारे समारोह के लिए। शपथ ग्रहण समारोह कितनी देर तक लगभग चलने की उम्मीद है? 1 घंटे का हमने प्रोविज़न किया है, बाकी तो डिपेंड करता है कि कितने मंत्रीगण शपथ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज से बातचीत के लिए। तो ये थी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सचिव अमिता पाल, जो लगातार यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रही हैं। उनका कहना है यह समारोह लगभग 1 घंटे तक चलेगा। कैमरामैन अनिल खन्ना के साथ मनोज टिबड़ेवाल, आकाश, DD न्यूज, दिल्ली।